तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि डीएलएड 2021 बैच डायरेक्ट एडमिशन लेटेस्ट अपडेट में इस समय बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्त, हमारी ऑफिशियल विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है। अब आप लोग दोस्त डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डीएलएड या बीएड का कोर्स करना चाह रहे हैं, देखिए बीएड के लिए भी दोस्तों नोटिस आई है। अभी दोस्तों हम आपके सामने जो नोटिस रख रहे हैं वो डीएलएड 2021 बैच को लेकर है, ठीक है। डीएलएड या इसका नाम दोस्तों पहले हमारा बीटीसी हुआ करता था। तो गाइस, इसके लिए दोस्तों अब आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। पूरी नोटिस हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए बड़ी खुशखबरी क्या आप लोगों के लिए, अभी दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी कॉलेज में भी सैकड़ों सीटें खाली हैं। तो गाइस, अब आप लोग को करना क्या है कि डायरेक्ट कॉलेज में जाना है और पहले पता करना है कि वहां पर कितनी सीटें खाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब ये नहीं देखा जाएगा कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं कि जनरल है, एससी कैटेगरी, एसटी। जो सीटें खाली है दोस्तों पहले उसको भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली प्राथमिकता क्या, देखिए आपके सामने पूरी नोटिस हम रखेंगे। वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्त, अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके मन में एक और सवाल होगा कि 2021 बैच का जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर है वो कब तक होगा। अगर आप लोग अभी एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपको कब देना पड़ेगा। डीएलएड या बीएड में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि हम कौन सा कोर्स करें। सारे दोस्तों आपके जो डाउट है उसका आंसर आज इस वीडियो में मिलेगा। पहले देखिए नोटिस में क्या लिखा है। रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी द्वारा सीधे प्रवेश, डायरेक्ट एडमिशन लिए जाने तथा निजी संस्थानों द्वारा अभिलेखीय जांच या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि एवं प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर रिपोर्ट किए जाने की अंतिम तिथि दोस्तों यहाँ पर दी गई है 15/11/2021। मतलब देखिए पहले दोस्त अपडेट क्या आई है, डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस हमारा शुरू होगा वो 8 नवंबर से शुरू होगा, 8 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक चलेगा। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट, इसको जरा ध्यान रखिएगा। आपके दोस्तों जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो कब शुरू होगा, हमारा 8 नवंबर से, ठीक है। देखिए आपको सुबह दोस्तों 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाना है और पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र प्राप्त करना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपका जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और देखिए प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आवेदन मतलब आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष या मैसेज के माध्यम से सूचित करना। मतलब दोस्तों आप सुबह 10 बजे मतलब जाएंगे, शाम के 4 बजे तक आप लोग आवेदन दे सकते हैं 8 नवंबर से। और देखिए उसी दिन दोस्तों आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 8 नवंबर को जाते हैं ऑनलाइन, आप जो ऑफलाइन आवेदन, इस बार ऑनलाइन नहीं, जरा इस बात का ध्यान रखना है, इस बार दोस्तों आपको कॉलेज जाकर ही करना पड़ेगा जो करना है। और दोस्त उसी दिन सेम डे पर ही आपका मतलब शाम तक 5 बजे तक हर हालत में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और रिजल्ट आप कैसे देख पाएंगे, देखिए जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसको नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी, या आपको दोस्तों जो बच्चे प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष या मैसेज के माध्यम से, हो सकता है कि आपको कॉल किया जाए या आपको मैसेज भेजा जाएगा कि भैया आपका एडमिशन या आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों बता दें, प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश वेबसाइट पर लॉक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक नहीं किए जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। अगर आपके कॉलेज वाले भैया इन्फॉर्म नहीं करते हैं पीएनपी को कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है, तब दोस्तों भले आप 41,000 के 2 लाख रुपए भी पेमेंट कर देना, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसको आपको जरा ध्यान से पढ़ना है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 प्रवेश या चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,154 तक के समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कहना कि यही कि फर्स्ट राउंड की हमारी काउंसलिंग हो चुकी है, जिन बच्चों की रैंक पहली है या अंतिम रैंक है। अतः प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण में आरक्षित या विशेष आरक्षण श्रेणी के अतिरिक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, जी हाँ दोस्तों जैसे कि हमने आपको बोला कि अगर अब आरक्षण वाले बच्चे नहीं है तो सीटों को 200% भरे जाने के उद्देश्य से आरक्षित या विशेष आरक्षण श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित या अनरिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों कोई भी बच्चा उस पर एडमिशन ले सकता है, भले वो एसटी कैटेगरी की सीट हो, उस पर जनरल का बच्चा भी मतलब एडमिशन लेगा, नौकरी की अभी बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि डीएलएड के बाद आपकी भैया नौकरी वाला ही मैटर होता है। और आजकल दोस्तों बता दें नए शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार धरना चल रहा है क्योंकि चुनाव का समय निकट आ चुका है।
ठीक है। तो भैया नई भर्ती की मांग बहुत तेजी से चल रही है और हो सकता है कि चुनाव से पहले नई भर्ती की घोषणा कर दी जाए। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी अपना डीएलएड या बीएड में जहां एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स को कंप्लीट करिए। देखिए आगे क्या अपडेट क्या है। श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए सीधे प्रवेश या डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साधना देत दिनांक 2/11/2021 द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी डीएलएड संस्थानों द्वारा रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश की कार्रवाई डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,154 तक के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ, जी हाँ दोस्तों अभी एडमिशन नहीं हुआ है, से ही दोस्तों रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तब आपको नहीं करना, ये मत सोचिएगा एक जगह एडमिशन हो गया चलो कॉलेज चेंज कर दें, ठीक है। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब साफ है कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है, एडमिशन आपने ले लिया, तो ये नहीं कि आप दोबारा फिर से एडमिशन में सम्मिलित हो, ठीक है। सीधे प्रवेश के लिए दोस्तों लिए जाने वाले हेतु दिशा निर्देश या नियम बहुत सारे साधना दे संख्या दोस्तों इसके अनुसार इस वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। तो गाइस ये बड़ी खुशखबरी है आप सभी छात्रों के लिए, अब आपको डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिल रहा है। तो अपने मन पसंद का चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो जाकर आप एडमिशन लीजिए। और आपको पहले बता दें सरकारी कॉलेज में भी सीटें काफी ज्यादा खाली है और सरकारी कॉलेज के लिए आपको 1 साल का 10,200 रुपये देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग प्राइवेट कॉलेज का विकल्प लेंगे तो आपको 1 साल का 41,000 रुपये देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज में 41,000 के अलावा आपसे प्रैक्टिकल फीस वसूली जा सकती है और अन्य तरह से आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तब तो भाई आपके मजे हैं। सरकारी कॉलेज में दिक्कत बस एक ही होती है कि आपको रोज कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कॉलेज में रोज रोज जाना पड़ता है पढ़ने और प्राइवेट में सेटिंग हो जाती है। सरकारी कॉलेज में दूसरी दिक्कत ये है दोस्तों कि थोड़ी बहुत जाकर वहां पर शांति से बैठना पड़ेगा क्लास में, ठीक है, और प्राइवेट में आप जाकर थोड़ी बहुत मनमानी कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप एडमिशन लीजिएगा। सरकारी कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि वहां पर फीस कम है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा उसके बाद आप कॉलेज के नियम कानून समझ जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी भी मस्ती शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज कितना भी सख्त होता है फर्स्ट सेमेस्टर छात्रों के लिए ज्यादा सख्ती की जाती है, उसके बाद सब कुछ आप जहां एक बार सीख गए ना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये अपडेट हमने 2021 बैच के छात्रों के लिए रखी जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें बीएड में भी डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि डीएलएड में ज्यादा एडमिशन होते हैं या बीएड में। हाँ ठीक, हम यहाँ पर बात कर रहे थे डीएलएड या बीएड में कंफ्यूजन है छात्रों को क्या करें। देखिए गाइस, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो देखिए सिंपल सी बात रखिए, याद रखिए बीएड के जो बच्चे हैं आज के दिन दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की भैया जो भी वैकेंसी आती है उसमें मौका मिलता है, लेकिन आने वाले समय में मौका मिलेगा कि नहीं यहाँ कंफ्यूजन है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भूल कर करिएगा, कि आने वाले समय में अगर बीएड को बाहर कर दिया गया वहां से तो फिर आप पछताइएगा मत। और डीएलएड छात्रों को जो मौका मिलता है वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है और मैक्सिमम 6 से 8, और 8 से ऊपर दोस्तों बीएड के छात्रों को मौका दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में क्या होगा, इसको सोच समझ के करिएगा, नहीं तो कल को अगर बीएड को प्राथमिक भर्ती से हटा दिया जाए तब आप टेंशन में आ जाए। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, दोनों कोर्स बढ़िया है। डीएलएड में क्या है दोस्तों कि आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा है, अगर आपकी गणित कमजोर है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरू में। देखिए बीएड का रिजल्ट आए, एक बात और आपको बता दें, डीएलएड का रिजल्ट आएगा अगर हम कह रहे हैं आप फेल भी हो जाएंगे दोस्तों तब भी आपका जो मिनिमम परसेंटेज बनेगा वो 85% के करीब होगा। अगर बीएड में दोस्तों आप अच्छे खासे स्टूडेंट है तब भी आपकी जो परसेंटेज है वो 70 से लेकर 60-65 पर ही अटक जाती है। अब सोचिए दोस्तों इतनी कम परसेंटेज, और डीएलएड के जो बच्चे होते हैं टॉपर वाले भैया वो तो 90% से ऊपर चलते हैं। तो ये दोस्तों 2 अंक का गुणांक। शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने बीएड किया कि डीएलएड, वहां पर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपकी मेरिट ज्यादा है कि कम। ज्यादा है तो आपको नौकरी दे दी जाएगी, मेरिट कम है तो नौकरी की रेस से आप बाहर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, और भी अधिक दोस्तों अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। तैयारी अच्छे से करिए, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 2 नवंबर और कुछ बड़ी अपडेट्स को कवर किए हैं 3 नवंबर की भी, ठीक है ना। कोई भी दोस्तों आपसे खबर छूटेगी नहीं, तैयारी करते रहिए, एडमिशन लीजिए। और देखिए आपका जो पेपर होगा, देखिए दोस्तों जो हमारी ऑफिशियल क्लासेस शुरू होती है उसी के हिसाब से 6 महीने के बाद आपका पेपर होता है। 11 अक्टूबर से दोस्तों क्लासेस अगर मानी गई है तो 11 अक्टूबर से आप 6 महीना जोड़ लीजिए, उसके बाद आपका पेपर कराया जाएगा। ये मत सोचिएगा एडमिशन हम अक्टूबर में ले रहे हैं हमारा पेपर दिसंबर लास्ट या जनवरी में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उससे पहले आपको 1 महीने की टीचिंग करनी पड़ेगी,
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।